अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ सरफराज कनोली। आज हम यहाँ मोहम्मदी डोरे पर आए हैं, ये पावर प्लांट के साथ है। यहाँ हम फिटिंग के लिए आए हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आपको अच्छी से अच्छी फिटिंग करके दिखाएं यहाँ पर। मजीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएँ, ताकि हमारी जो भी वीडियोज़ है आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। तो दोस्तों हम यहाँ पर शिकार करते हैं और शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाह करके। दोस्तों अब ये डोर फेंक दी है हमने, तो हम जब तक डोर सेट कर रहे थे, मछली हमारी चारा खा चुकी है। वाह 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 वाह, यहाँ आती है तो फिर जोड़ी भी आ जाती है। तो सरफराज भाई, इकबाल भाई ने तो फोन ही कर लिया अभी अपना। चलो अच्छी बात है, तो जोड़ा नहीं है तो निकालो। चलो निकलेगा, ये काम है जरा सबर का, और यहाँ जल्दबाजी का काम नहीं है कि थोड़ी देर बैठे मछली नहीं लगी तो आप बोर हो गए यहाँ थोड़ा। मुझे लगता है आप बस क्या करें, अगर उनके हमारे हाथ से उनके लिए है तो फिर आएंगे। दोस्तों ये मछली माशाल्लाह आज लग गई है, देख रहे हैं जिसे हम निकालते हैं। दो बार इसे खा चुकी है चारा, अब ये आ गई है बाहर। यही थी वो जिसने दो बार जिसे हमने दिया है। आपको पता है खाली पेट जो है ना पकड़ने का मज़ा नहीं है, खिला पिला कर फिर जो है इंशाल्लाह। अभी आप देखें कुर्बानी को, जानवर को भी खिला पिला देखें, आप कुर्बानी के जानवर को भी देखें जब करते हैं तो कितना खिला पिला के तैयार करके। आसिफ भाई की बहुत कमी महसूस हो रही है दोस्तों, क्योंकि वो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, शिकार के तो काफ़ी माहिर हैं, लेकिन आज वो हैं नहीं, उनकी काफ़ी कमी महसूस हो रही है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नासिर भाई के हिस्से की भी मछली आज हम खुद निकालें पकड़ के। तो नासिर भाई की भी इंशाल्लाह काम की हम डोरें हमने डाल दी हैं। अच्छा, वो जो डोर है काली आपने फेंका है वो नासिर भाई के पीछे पड़ी है ना डोर, ये समझे हमारे रेबी भाई है नासिर भाई। अच्छा, ये नासिर भाई बेटे। नासिर भाई किसर मच्छी है। हाँ, इसका मुंह कितना बड़ा, शार, शार की तरह बड़ा मुंह, इसका मुंह इतना बड़ा होता है ना पूरे बंदे को भी खा जाएगा ये। हाँ। तो दोस्तों जहाँ हम इस तालाब पर आए, डोर से मछली नहीं लग रहा था, हमने कहा जब तक झींगा पकड़ें और मछली का जुगाड़ करें जाल से। तो इकबाल भाई को उतारा हुआ, ये सामने यहाँ पे ये गहरा पानी है जिसे अभी हमें क्रॉस करने का भी हमारा मूड नहीं है बिल्कुल भी। अब ये इकबाल भाई यहाँ पे पानी के अंदर जाएंगे और ये जाल पे फेंक दिया है, और ये स्विमिंग करते हुए इकबाल भाई आ रहे हैं। इकबाल और फेकड़ा, इकबाल फेकड़ा इक्कू, ये गुलाम भाई कश्ती वाले जो होड़े वाले थे जो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए हैं, ये उनके छोटे भाई हैं इकबाल और केकड़ा। केकड़ा है इनका तखल्लुस से, इनको प्यार से कहा जाता है। ये बयान मछली है दोस्तों, ये बहुत ही लजीज मछली है, ख़ासतौर पर इसे फ्राई करके जब आप तैयार करेंगे तो ये आप खाते ही रह जाएंगे। पकड़ो पकड़ो सरदार भाई, ये आ गई। अच्छा, ये बयान मछली है, ये आप देख रहे हैं। ये जो मछली आप देख रहे हैं ये बहुत ही ख़तरनाक और जहरीली मछली है। इसके ऊपर और ये साइडों पे ये जो कांटे हैं ये बहुत ही ख़तरनाक है, कभी भी इसे हाथ लगाने से जो है ना, हमेशा इसको हाथ लगाने से गुरेज करना है आपने। कभी आपकी ये डोर में या जाल में आ जाती है तो इससे बच के रहना, ये आपको दिन में तारे दिखा सकती है। ये वो मछली है जिसका हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था।
तो ये मछली हमने जाल से पकड़ी है, इसमें ब्याट भी है, संधिया भी है, छोटी मछली भी है और ब्याट वगैरह भी हैं। तो अब चलते हैं हम वहाँ किनारे की तरफ, वहाँ दौर करेंगे, दौर से मछली पकड़ेंगे। तो आए दोस्तों चलते हैं दरिया की तरफ, समंदर की तरफ। आप जब भी यहाँ आएँ तो अपने पानी का इंतज़ाम करके आएँ पीने के पानी के लिए, क्योंकि यहाँ पानी नहीं मिलेगा। तो बड़ी मेहनत भी है शिकार में, ये नहीं है कि पुल के साथ बैठ गए या उधर ही करीब बैठ गए। जब आपने मछली पकड़नी है, मछली खानी है, तो आपको कोई जगह बची करनी पड़ेगी। अब इकबाल भाई हमारे शुरू हो चुके हैं, हम ये कूलर यहाँ रखते हैं, चप्पल भी यहाँ उतार देते हैं। ये भी एक बड़ा ढोरा है, यहाँ उम्मीद है इंशाल्लाह के अच्छे दाने निकलेंगे। यहाँ बस बहुत तेज है शिकार का, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है दौर के शिकार पे। इकबाल भाई फिर भी कुछ गुजारा कर रहे हैं शिकार में, क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी हैं। बस ये कोशिश है कि चार छः दाने अगर दौर पे भी लग जाएं तो हाथ का कीड़ा मर जाएगा। असल मज़ा जो है ना वो दौर से पकड़ने का है, हमें तो दौर से ही पकड़ने में मज़ा आता है। बस वो दो चार दाने लग जाएँ तो पूरी हो जाएगी हसरत। आज काफ़ी दिनों के बाद हम शिकार पर आए हैं, आज नासिर भाई भी नहीं है, इनकी भी बहुत कमी महसूस हो रही है कि चलो अगर वो भी होते तो कुछ मछली वगैरह वो भी पकड़ लेते। और अब ऐसा ही है कि दोस्तों बरसात का भी नमूना तैयार है, ऐसा लग रहा है कि शाम तक बरसात आ जाएगी। मेरी बेस्ट साइड पर आप देख रहे हैं बारिश तैयार है इस साइड पर, सामने भी यही नज़ारा है, बादल आ रहे हैं चारों तरफ से। टाइम बरसने की देर है। कलीन भाई मच्छी आ रही है, कलीन भाई खाना सही वाला है, ये देख। वाह भाई इकबाल भाई, ये निकाला ना खाना। सरफराज भाई तो नहीं निकालने भाई, आपको ही थोड़ी हिम्मत करना पड़ेगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये शिकार भी यहाँ पे अच्छा होता है, लेकिन आज असल में हमारी नसीब ही ऐसे हैं, जब भी हम शिकार पे आते हैं तो हमें जो हम चाहते हैं वैसा जो है ना शिकार नहीं निकाल सक रहे हैं। बाकी तो ऐसे मछली पकड़ते रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई किलो दो किलो का दाना निकले तो मज़ा भी आए। शिकार मज़ा नहीं दे रहा है क्योंकि डोर पे शिकार नहीं लग रहा है। जो मछली पकड़नी थी माशाल्लाह हमने अपने जाल से पकड़ ली है, ब्याट वगैरह खाने के लिए हमारे पास बहुत सारी हो गई है। और यहाँ बैठना मजबूत है, एक बच्चे के बारिश की तैयारी की जाए, मतलब भी मेहनत होने वाला है, बरसात आने वाली है। आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड पर बादल है और सामने भी बादल है। तो आपको अच्छी वीडियो की फिक्र भी हम